First up, we're getting news that sacked Aam Aadmi Party leader Kapil Mishra, who had made a stinging allegation against the Chief Minister Arvind Kejriwal, is now addressing the press. Let's go straight there and listen in first. Sir, shuru kar rahe hain. दिख नहीं रहा लेकिन दिखा रहा है लोग। मैडम पीछे, यहाँ से तीन से पीछे हो जाइए। आप शुरू करें। पिछले संडे को मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और सबूत पूरे देश के सामने रखे थे कि किस प्रकार से हवाला और काला धन आम आदमी पार्टी के खाते में आ रहा है और किस प्रकार से सीधे सीधे आम आदमी पार्टी के दो एमएलए शिवचरण गोयल और नरेश यादव वो उन फर्जी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जिन फर्जी कंपनियों के माध्यम से आम आदमी पार्टी को पैसा मिल रहा है। पूरा एक हफ्ता हो गया लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। केवल दो बातें बोलते रहे कि ये बीजेपी का एजेंट है, ये बीजेपी की भाषा बोल रहा है, और दूसरा बोलते रहे कि ये सवाल तो बड़े पुराने हैं, अभी हम इनका जवाब क्यों दें। एक एक दस्तावेज और सबूत जो देश के सामने रखा गया उनमें से किसी का कोई जवाब नहीं दिया और अरविंद केजरीवाल ऐसे चुप होके बैठे जैसे उनके मुंह में दही जमा हुआ हो। लेकिन कल एक व्यक्ति को सामने लाया गया, मुकेश कुमार नाम का एक व्यक्ति कल सामने लाया गया और उस व्यक्ति ने आके ये बोला कि ये 2 करोड़ रुपया मैंने दिया है आम आदमी पार्टी को। उस वीडियो को अरविंद केजरीवाल जी ने इंटरनेट पे वायरल किया, उस वीडियो को मनीष सिसोदिया जी ने इंटरनेट पे वायरल किया, उस वीडियो को संजय सिंह जी ने इंटरनेट पे वायरल किया और आम आदमी पार्टी के सारे सोशल मीडिया के लोगों को ये कहा गया कि इस वीडियो को पूरे इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाए और चारों तरफ ये दिखाया गया कि 2 करोड़ रुपए जो रात के 12 बजे सन 2014 में आए थे उसको देने के लिए एक व्यक्ति आ गया और उस व्यक्ति ने एक मीडिया चैनल को इंटरव्यू देके कहा कि बड़ी अच्छी राजनीति करते हैं इसीलिए मैंने 2 करोड़ रुपए दान दे दिया आम आदमी पार्टी को। आज मैं आम आदमी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता से, आम आदमी पार्टी के हर एक विधायक से ये निवेदन करता हूँ कि जो तथ्य मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ इसे बड़े ध्यान से देखना, एक एक चीज को बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि आज दो चीजें मैं साबित करूंगा। पहली चीज हम साबित करेंगे कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो वीडियो इंटरनेट पे चलाया वो झूठा था, उसके अंदर जो जानकारी दी जा रही थी वो जानकारी झूठी थी, वो तथ्य झूठे थे जो उसके अंदर जानकारी दी गई। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर रहे हैं, उनको एक एक कानून की जानकारी है, इसीलिए देश ये मानेगा कि अरविंद केजरीवाल ने जब उस वीडियो को ट्वीट किया इसका मतलब अरविंद केजरीवाल जानबूझकर कर रहे थे, वो एक झूठ इस देश में फैलाना चाहते थे अपने अपराधों को छुपाने के लिए। और इसीलिए मनीष सिसोदिया जी ने, संजय सिंह जी ने, इन्होंने भी उस वीडियो को फैलाया जिससे कि नीचे कार्यकर्ता तक एक झूठ पहुंच जाए। अब उस झूठ का आज हम खुलासा करेंगे वो झूठ क्या था, लेकिन उससे बड़ी सच्चाई कि उस व्यक्ति की दिल्ली सरकार के साथ क्या रिश्तेदारी है वो आज हम खुलासा करेंगे। और सबसे बड़ी सच्चाई, किस आदमी का नाम छुपाने के लिए मुकेश कुमार को सामने लाया गया, किस सच पे पर्दा डालने के लिए मुकेश कुमार मजबूरी बना, क्यों अरविंद केजरीवाल की ये मजबूरी बन गई कि मुकेश कुमार को बलि का बकरा बनाया जाए, आखिर वो कौन सा आदमी है जिसको छुपाया जा रहा था और मुकेश कुमार को आगे लाया जा रहा था, और जिस आदमी को छुपाया जा रहा था उसके इस देश के सबसे बड़े बड़े अपराधियों से क्या संबंध है, आज उसका खुलासा हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे।
सारे दस्तावेजों के साथ एक प्रेजेंटेशन आप सबके लिए बनाई है। मैं निवेदन करूंगा ये लाइट बंद कर दी जाए जिससे कि ये प्रेजेंट। एक चीज उससे पहले मैं कहना चाहता हूं, इस सारे तथ्यों की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन में नील ने की है, बहुत सारे तथ्य निकाले हैं और सबसे बड़ी बात है कि आज इनका जन्मदिन है, बर्थडे है और उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं। तो ये लाइट एक बार बंद कर दी जाए। दिख रहा है, क्लियर है? अब मैं आपको सबसे पहले ये वो रसीदें हैं उन चार कंपनियों की जिन्होंने अप्रैल 5, 2014 रात को 12 बजे 50 लाख रुपया आम आदमी पार्टी के खाते में डाला। आप ध्यान से ये रसीद और ये डेट और ये अमाउंट इसको बड़े ध्यान से देखिएगा। इन्फोलेंस स्काईलाइन मेटल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान से देखिएगा। 5 अप्रैल 2014 सनविजन एजेंसी 5 अप्रैल 2014 ये सबके, अभी एक सेकंड रुकिएगा यहीं पर ही, इन कंपनियों के एक ही साथ एक ही तारीख को रात के 12 बजे एक साथ आम आदमी पार्टी के खाते में 50 लाख रुपए आते हैं। अब ये लेटर हेड है जिस लेटर हेड पे ये सर्टिफाई किया गया कि इन कंपनियों ने 50 लाख रुपए दिए। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप लेटर हेड देख लो, 50 लाख रुपए देने वाली कंपनी का लेटर हेड देख लो और इस लेटर हेड पे डेट देख लो, इस लेटर हेड पे रेफरेंस नंबर देख लो और इस लेटर हेड को घर में बैठ के बनाया गया है कि कंपनी का लेटर हेड है ये देख लो और सारे देश को आप दिखा दो। ये है गोल्ड माइन बिल्डकॉन, साइन उन्हीं मुकेश कुमार के हैं जो ये दावा करते हैं कि 2 करोड़ रुपए उन्होंने दिए। कुछ भी नहीं है इसके ऊपर, ये घर में बैठ के कंप्यूटर पे प्रिंट आउट निकाला गया है, टेलीफोन नंबर रेफरेंस डेट, कोई फर्जी दिखने जैसा लेटर हेड है लेकिन फिर भी एक लेटर हेड है जो हम आपको दिखा रहे हैं। दूसरा लेटर हेड है इन्फोलेंस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन, दोबारा घर में बैठ के बनाया हुआ लेटर हेड, 50 लाख रुपए डोनेशन देने वाली कंपनी का लेटर हेड है ये। और इसमें अब ये तीसरा लेटर हेड बहुत इंपॉर्टेंट है, सनविजन कंपनी लेटर हेड, ये भी घर में बना है लेकिन इसमें मुकेश कुमार के साइन नहीं है, जो मुकेश कुमार बोल रहे थे कि उन्होंने पैसा दिया 50 लाख रुपए, ये साइन मुकेश कुमार का नहीं है सनविजन में, केवल 2 कंपनियों में मुकेश कुमार का साइन है। चौथा लेटर हेड मैं आपके सामने रखूंगा अभी, स्काईलाइन मेटल, इसमें भी मुकेश कुमार का साइन नहीं है। और इस लेटर हेड को आप बड़े ध्यान से देखना क्योंकि ये लेटर हेड सबसे बड़े अपराध का आज पर्दाफाश करेगा, अरविंद केजरीवाल के काले धंधे का। इस लेटर हेड को आप अपने स्क्रीन पे संभाल के नोट करना, स्काईलाइन मेटल एंड अलॉयज, और नीचे जो साइन है उसको आप जरा ध्यान से नोट कर लेना। तो ये चार कंपनियों ने 50 लाख रुपए दिए, केवल 2 कंपनियों के लेटर हेड पे मुकेश कुमार के साइन है, बाकी 2 पे मुकेश कुमार के साइन नहीं है। और क्यों नहीं है वो साइन, अभी मैं आपको वो तथ्य आपके सामने रखूंगा। नेक्स्ट, ये जब आम आदमी पार्टी से पूछा गया कि 2 करोड़ रुपए कहां से आए, तो आम आदमी पार्टी ने इनकम टैक्स को बोला कि हमको नहीं मालूम ये 2 करोड़ रुपए कहां से आए। आज अरविंद केजरीवाल ने वीडियो किया है, अब मैं अरविंद केजरीवाल को चुनौती देता हूं, इनकम टैक्स को जवाब दे दो अब कि तुम्हें मालूम है 2 करोड़ रुपए कहां से आए, क्योंकि तुमने इनकम टैक्स को बोला था तुम्हें मालूम नहीं है, अब तुमने वीडियो ट्वीट किया है कि मुकेश कुमार ने 2 करोड़ रुपए दिए। अरविंद केजरीवाल, अगर तुम्हारे अंदर जरा सी भी आंखों की शर्म बची है, आज इनकम टैक्स को लिख के दे दो कि मुकेश कुमार की कंपनी से 2 करोड़ रुपए आए हैं। चुनौती देता हूं, इनकम टैक्स को आज बता दो कि 2 करोड़ रुपए मुकेश कुमार की कंपनी से आए हैं, क्योंकि तुमने इनकम टैक्स को बोला था कि तुम्हें नहीं मालूम 2 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। नेक्स्ट स्लाइड, अब ये है मुकेश कुमार कब किस कंपनी का डायरेक्टर था इन चारों में, उसका डिन नंबर ऊपर लिखा हुआ है, पूरी दुनिया में कोई भी चेक कर सकता है। डिन नंबर है 3112675। पहली कंपनी स्काईलाइन, मुकेश कुमार एडिशनल डायरेक्टर बने हैं इसी साल 22 अप्रैल 2017 को। डोनेशन कब दी गई है? सन 2014 में। मुकेश कुमार इस कंपनी में कब आए हैं? 22 अप्रैल 2017 यानी इस साल 2014 में मुकेश कुमार इस कंपनी के डायरेक्टर थे ही नहीं। तो जब डायरेक्टर थे ही नहीं, कंपनी के डायरेक्टर इस साल बने हैं 22 अप्रैल, और ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीडी चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले की डेट है ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप नोट कीजिए। ये आदमी उस कंपनी का डायरेक्टर इस साल बना है क्योंकि ये पता लग गया था कि अब काला धन सामने आ जाएगा, तो इस आदमी को मुकेश कुमार को कंपनी में डाला गया। जिस तारीख को ये डोनेशन आई, मुकेश कुमार इस कंपनी में नहीं थे। दूसरी कंपनी है गोल्ड माइन, जिसमें वो डायरेक्टर थे, उनके साइन भी हमने देखे। तीसरी कंपनी सनविजन, सनविजन में मुकेश कुमार 2 नवंबर 2012 को छोड़ चुके थे। 2 नवंबर 2012 के बाद मुकेश कुमार सनविजन में थे ही नहीं, तो 2014 में 50 लाख रुपए सनविजन के दे कैसे दिए?
इनमें से दो कंपनी में मुकेश कुमार नहीं थे, दो चीजों से साबित हुआ। दोनों के लेटर हेड पे मुकेश कुमार का साइन नहीं है जो आपने देखा। उसके बाद ये सरकारी डेटा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स का, जिसमें मुकेश कुमार 2 नवंबर 2012 को छोड़ चुके थे एक कंपनी, और एक कंपनी को उन्होंने अभी इसी साल 22 नवंबर को ज्वाइन किया, इससे पहले इस कंपनी में थे ही नहीं। यानी मुकेश कुमार के दोनों झूठ सामने आ गए। अरविंद केजरीवाल का झूठ सामने आया क्योंकि अरविंद केजरीवाल इस देश को चाहते थे कि ये देश ये मान ले कि ये 2 करोड़ रुपए बड़ी ईमानदारी से आम आदमी पार्टी को मुकेश कुमार ने दिए हैं और स्वच्छ राजनीति करने के लिए। तो ये तथ्य है, एक एक डेट आपके सामने रख रहा हूं, मुकेश कुमार कब आया कब गया। बलि का बकरा मुकेश कुमार को बनाया जा रहा है एक ऐसे आदमी को छुपाने के लिए जिसका सीधा हवाला का नेटवर्क अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिन्होंने भी इस व्यक्ति का इंटरव्यू चलाया और पूरे देश को बताने की कोशिश की, ये बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन है एक आदमी का डिटेल कि आप उस कंपनी के मालिक हो कि नहीं हो, कागज दिखाओ, आपकी कंपनी का बैलेंस शीट कहाँ है दिखाओ, ये बहुत बेसिक चीज चेक करनी चाहिए थी। अरविंद केजरीवाल आजकल झूठी खबरें फैलवा रहे हैं, वो आप लोगों को भेजेंगे झूठी खबर लेने के लिए, लेकिन क्रेडिबिलिटी आपकी खराब होगी क्योंकि अंत में जनता आप पे भरोसा करके देखती है। आप अरविंद केजरीवाल के कहने पे कहीं चले भी जाओ और कोई न्यूज दिखाओ भी बिना तथ्यों को चेक किए, तो पूरी की पूरी क्रेडिबिलिटी आपकी खराब होती है। अरविंद केजरीवाल अपने घर से बाहर नहीं निकलने वाले, वो 7 सालों के अंदर बंद बैठे रहेंगे। तो अपनी क्रेडिबिलिटी को संभालने के लिए जरूरी है कि बेसिक जो तथ्य होते हैं किसी इंसान के, भैया अपना इनकम टैक्स दिखा, अपनी कंपनी की बैलेंस शीट दिखा, तो उस कंपनी में था भी कि नहीं था वो दिखा, शेयर होल्डिंग दिखा, ये बेसिक चीजें चेक करनी चाहिए। लेकिन अच्छा हुआ कि अरविंद केजरीवाल ने यह झूठा वीडियो ट्वीट किया, इतना बड़ा सच सामने आएगा ये मुझे भी नहीं मालूम था, नील को भी नहीं मालूम था, लेकिन जब उन्होंने वीडियो ट्वीट किया और हमने चेक करने शुरू किए तो इतना काला सच सामने आ गया कि हमने कहा भगवान जो करता है बिल्कुल अच्छा करता है। अच्छा हुआ भगवान ने ये वीडियो अरविंद केजरीवाल से ट्वीट करवाया। तो ये मुकेश, अब ये वो सारे एड्रेस है जिनमें ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, कई आप में से कई मीडिया के साथ ही इन सारे एड्रेस पे गए हैं, 10-10 साल से यहाँ पे कोई दफ्तर नहीं चल रहा। Okay, Kapil Mishra there firing a fresh salvo against the Chief Minister Arvind Kejriwal after launching the stinging allegations of bribery against him.